सो स्टूडेंट, ये आपका पोरीफेरा का वर्गीकरण। सो इसके अंतःकंकाल के आधार पर क्या किया गया है, आपके जो पोरीफेरा संघ है उसका वर्गीकरण किया गया है। तो पोरीफेरा को अंतःकंकाल के आधार पर तीन वर्गों में वर्गीकृत किया है। एक तो है आपका कैल्केरिया, एक आपका हेक्सेक्टलिंडा, हेक्सेक्टनेलिडा एंड तीसरा होता है आपका डीमोस्पॉन्जियाई। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं कैल्केरिया के बारे में। तो कैल्केरिया जो है वो कैसे होते हैं, तो कैल्केरिया में आने वाले जो प्राणी है वो सारे के सारे कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं। इनमें सभी जो आपके पोरीफेरा संघ के सदस्य होते हैं जो कैल्केरिया वर्ग में आते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, समुद्री होते हैं। इनका जो अंतःकंकाल होता है वो किसका बना होता है स्टूडेंट, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया है, कैल्केरिया नाम दिया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें इनके नाल, आपको पता है कि ये चीज़ इसमें पाई जाती है। तो ये कितने प्रकार का होता है, इसमें देख लो कैल्केरिया के जो मेंबर होते हैं उसमें ल्यूकोन प्रकार का भी मिलता है, एस्कोन भी मिलता है और साइकोन प्रकार का मिलता है। नाल तंत्र के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें अपन तीनों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि भाई ये होते क्या हैं, ठीक है। देन अगर अपन बात करें स्पंज गुहा जो होती है वो कैसी होती है, तो स्टूडेंट याद रखना इनकी स्पंज गुहा जो होती है वो दोनों की अपेक्षा क्या होती है, काफ़ी बड़ी होती है। इन दोनों की अपेक्षा इनमें काफ़ी बड़ी स्पंज गुहा पाई जाती है और इनकी संपूर्ण गुहा पर यानी क्या होता है, इनकी पूरी की पूरी जो भी इनके अंदर क्या होती है, आपको क्या मिलती है, जो स्पंज गुहा मिलती है उनके अंदर क्या पाई जाती है, संपूर्ण गुहा पर कोलर कोशिकाएं या कोइनोसाइट पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इनका एग्जाम्पल होता है साइकोन। कैल्केरिया में कौन कौन आते हैं, साइकोन आता है, ल्यूकोसोलेनिया आता है और ल्यूसिला आता है। ये जो आपको डायग्राम दिया गया है वो किसका है, वो आपका ल्यूकोसोलेनिया का है। देखिए स्टूडेंट, अब नेक्स्ट बात करते हैं हेक्सेक्टनेलिडा। ये कैसे होते हैं, ये भी कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं। कैसे होते हैं, समुद्री जीव है। इनका अंतःकंकाल किसका बना होता है, सिलिका का बना होता है, यानी कि इनकी जो कंटिकाएं होती है वो किसकी बनी होती है, सिलिका की बनी होती है। इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट, कलशनुमा होता है, जैसे कि आपका कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से, या कैसा होता है जैसा आपका फूलदान होता है ना, फूलदान। तो इसकी संरचना कलशनुमा या फूलदान जो होता है जो अपने घरों में देखने को मिलता है उनकी जैसे इसकी संरचना होती है। इनको अपन क्या बोलते हैं, ग्लास स्पंज भी बोलते हैं। इनमें कैसा मिलेगा आपको, नाल तंत्र कैसा मिलेगा, ल्यूकोन प्रकार का मिलेगा। इनके अंदर जो आपकी क्या मिलती है, कोइनोसाइट यानी कि कोलर कोशिका जो मिलती है, क्या मिलती है, कोलर कोशिका मिलती है, वो आपके कसाबिक कोष्ठों में मिलती है। एग्जांपल की बात करें तो यूप्लेक्टेला, हाइलोनीमा और फार्नेरा। यूप्लेक्टेला का डायग्राम यहाँ पर आपको दिया गया, इसे ही अपन लोग क्या बोलते हैं, वीनस की पुष्प मंजूसा बोलते हैं। तीसरा आपका आता है डीमोस्पॉन्जियाई। डीमोस्पॉन्जियाई में कौन कौन आते हैं, आपके लवणीय स्पंज भी आते हैं और अलवणीय भी आते हैं, मतलब इसमें आपको समुद्री जल में भी मिलते हैं ये और अलवणीय यानी कि स्वच्छ जल में भी मिलते हैं। ये कैसे होते हैं, ये एकल और निवही दोनों प्रकार के होते हैं। अंतःकंकाल इनमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है। इनमें क्या होगा, अंतःकंकाल अनुपस्थित होगा, लेकिन सभी में नहीं, यदि किसी में उपस्थित होगा, अगर किसी में अंतःकंकाल उपस्थित है, वैसे तो क्या होता है डीमोस्पॉन्जियाई में आपका अंतःकंकाल अनुपस्थित होता है, लेकिन अगर किसी में होगा तो वो किसका बना होगा, तो वो आपका सिलिका। वो कैसा हो सकता है, सिलिसियस यानी सिलिका। तो यदि उनमें क्या है, अंतःकंकाल उपस्थित है, तो वो कैसा हो सकता है, सिलिका कंटिकाओं का या सिलिका से बनी कंटिकाओं का बना हो सकता है, या उसमें क्या पाए जा सकते हैं, उसमें आपके स्पॉन्जिन तंतु मिलेंगे। क्या मिलेंगे, तो या तो अंतःकंकाल इनमें क्या होता है, अनुपस्थित होगा, और यदि है तो ये क्या होता है, सिलिका से बनी कंटिकाओं का बना होता है और साथ में क्या होता है, स्पॉन्जिन तंतु का बना होता है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो इनमें जो आपका नाल तंत्र जो मिलेगा वो रेगोन टाइप या अपन बोल सकते हैं ल्यूकोन टाइप पर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल में आ जाएगा यू स्पांजिला और चेलेना। ये किसका डायग्राम स्टूडेंट, ये स्पांजिला का डायग्राम होता है। तो स्टूडेंट ये आपका था पोरीफेरा का वर्गीकरण। इसी के साथ अपना जो पोरीफेरा है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे जो आपका निडेरिया या जिसे अपन क्या बोलते हैं, सिलेंट्रेटा बोलते हैं, उसके बारे में अपन लोग डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये सीरीज जो है वो स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। वो सब अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।